है लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान कर दिया जाएगा। प्रशांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। और ये सबसे अहम खबर भी है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन देश भर में किस तरीके का हाल है, क्योंकि अब पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे वो सबसे अहम है। जिस तरह से पूरे देश में 2019 का चुनाव हुआ था, तस्वीर कुछ इस तरह से सामने आई थी। 553 सीटें कुल मिलाकर के, और बीजेपी ने पिछली बार की लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीत ली थी। 37% से भी ज्यादा प्रतिशत वोटों का रहा था। कांग्रेस के पास 52% वोट, 52 सीटें आई थी, 19% से भी ज्यादा वोट शेयर उनके पास में था। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि आखिर कितने चरणों में ये लोकसभा का चुनाव करवाया जा सकता है, और ये सबसे अहम बात भी है। अगर हम इस पर गौर करें तो पिछली बार जिस तरह से 7 चरणों में ये चुनाव करवाया गया था, अगर पहले चरण की अगर हम बात करें तो एक बड़ी उम्मीद की कुछ ऐसा ही आंकड़ा इस बार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल 3 बजे जिस तरह से अब तमाम ऐसी एक के बाद एक चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी जाएगी। 543 में से 91 सीटें थी, 91 सीटें थी जिस पर कि पहले चरण में चुनाव हुआ था। ये तस्वीर हम बता रहे हैं 2019 की, और ये पहले चरण में जिस तरह से बीजेपी ने 91 में 31 सीटें थी, वाईएसआरसीपी ने जीती थी 22 सीटें, आंध्र प्रदेश पहले ही चरण में आ गया था, और ये वो आंकड़ा है। लेकिन जो और खास बात है वो ये है कि अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो 2019 में दूसरे फेज में जिस तरह से सीटें सामने आई थी चुनाव की, उस दूसरे चरण में बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी और 25% से भी ज्यादा वोट बीजेपी ने हासिल किए थे। और हम देख सकते हैं कि दूसरे चरण में 96 सीटें थी जिस पर कि चुनाव हुआ था। और नीरज, जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, नीरज सबसे खास बात यह है कि क्या ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी लगभग उतने ही चरणों में चुनाव करवाया जा सकता है और उसी तरह के हालात होंगे जिन जिन प्रदेशों में पिछली बार जिन चरणों में आए थे? देखिए बिल्कुल प्रशांत, न्यूज 18 इंडिया पे आपको एक बार फिर बता दें, चुनावी चरण उसी तरह से होंगे जिस तरह से पिछली बार हुए थे, 6 या 7 चरणों में गुंजाइश हो सकती है ज्यादा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बता दें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, पहले आपके सवाल के जवाब, पिछली बार जो पैटर्न था वही पैटर्न अपनाया जा सकता है। 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे, 7 चरण में ज्यादा संभावना है लोकसभा चुनाव की। दूसरी चीज, ज्यादातर जो बड़े राज्य खासकर चुनावी दृष्टिकोण से और चुनौतीपूर्ण राज्य, वहां कई चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 4 से 5 फेजेज में लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में 6 या 7 चरण में, बिहार में 6 या 7 चरण में, बंगाल में 6 या 7 चरण में, केरल में 1 चरण में चुनाव होगा, तमिलनाडु में 1 चरण में, मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण में हो सकते हैं, राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, गुजरात में 1 चरण में होगा, एक बार फिर हम लगातार आपको रिपीट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में 4 से 5 चरणों में, दिल्ली में 1 चरण में, उत्तराखंड में 1 चरण में, पंजाब में 1 चरण में, हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में, इसके अलावा जो बाकी राज्य, छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में, झारखंड में 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो ये जो है गोवा में 1 चरण में ही होगा, छोटा प्रदेश और उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में 1 चरण में, असम में 2 से 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, कर्नाटक में 1 या 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। जी, अलग अलग चरणों में यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे चुनाव कब कहाँ कहाँ पर होंगे कल। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, देखिए कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इस बार कुछ देरी जरूर हुई है 2019 के कंपैरिजन में देखा जाए, 2014 के कंपैरिजन में देखा जाए, तो बेशक जो आगे की तारीखें होंगी वो भी खिंचेंगी ही। देखिए बिल्कुल थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा रहा था कि 15 मार्च के आसपास चुनाव की घोषणा होगी, और चुनाव आयोग में क्योंकि अचानक से इस तरह की स्थिति भी बनी, हालांकि कानून या संविधान ये नहीं कहता कि अगर चुनाव आयोग में एक ही चुनाव आयुक्त है तो वो चुनाव की घोषणा संपन्न करवा सकते हैं, नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं है, एक चुनाव आयुक्त भी करवा सकता है। लेकिन कोरम अब पूरा हो गया है, 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी हो चुकी है, कल उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो अब लगभग काम पूरा है, और चुनाव आयोग ने पहले ही
सारा काम पूरा कर लिया था। तमाम राज्यों के दौरे हो गए थे, चाहे वो हम जम्मू कश्मीर की बात करें, बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तमाम राज्यों में चुनाव आयोग की टीम गई थी। वहाँ पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ उनकी बैठकें हुई थी। एक बार जब पूरी सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठकें राज्य सरकारों के साथ, राज्य प्रशासन के साथ हो जाती है, उसके बाद चुनाव आयोग ये फैसला लेता है। अब हालांकि कल दोपहर 3 बजे घोषणा की जाएगी और ये बताया जाएगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि पिछली बार 7 चरण में चुनाव हुए थे और उसमें बीजेपी को 2014 में एक बड़ा मैंडेट मिला था, 19 में उससे बड़ा मैंडेट वो लेकर आई और 24 के लिए उससे बड़े मैंडेट का दावा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, एक संयुक्त गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब चुनावी गर्मी, जैसे दिल्ली में और उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मी थोड़ी बढ़ने लगी है, तो अब वो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ेगी। राजनीतिक गर्मी भी होगी उसमें और मौसम की गर्मी भी। तो देश का सबसे बड़ा चुनाव, वैसे भी लोकतंत्र में चुनाव को सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है और लोकसभा चुनाव से बड़ा कोई चुनाव नहीं हो सकता, तो कल से उसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जी विक्रांत, और लगातार यही अनुमान भी लगाया जा रहा था कि 6 से 7 चरण ही होंगे जिसमें चुनाव कराया जाएगा, लेकिन क्योंकि थोड़ा सी देरी यहां पर हुई है तो हो सकता है जो 6 से 7 चरण है वो आगे और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि वक्त पूरा यहां पर खींचेगा जरूर। और आशिका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल जानकारी ये कि पश्चिम बंगाल में संभव है कि अगर 7 फेज में ये चुनाव हो रहे हैं तो 7 फेज में पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सुरक्षा के सबसे ज़्यादा कड़े इंतजाम पश्चिम बंगाल के लिए ही होंगे। संभव ये भी है कि कश्मीर से भी ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में लगाए जाए, क्योंकि हिंसा का इतिहास यहाँ पर हर चुनाव में देखने को मिलता है, हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं। उसी के मद्देनज़र संभव है कि सबसे ज़्यादा कड़ी जो सुरक्षा के इंतजाम हो वो पश्चिम बंगाल में ही हो। साथ ही साथ चुनाव की तैयारी सभी दलों की तरफ से कर ली गई है, तो कल ये बड़ी घोषणा होगी, साफ हो जाएगा कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे। और संभव है कि 7 फेज में चुनाव हो तो 7 फेज में पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में चुनाव हो। पूजा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया पर बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 3 बजे चुनावों की डेट्स की घोषणा कर सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज 2 नए जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपना पदभार संभाला, बैठक हुई और उसके फौरन बाद अब यह निर्णय ले लिया गया है कल दोपहर 3 बजे इलेक्शंस की, लोकसभा चुनावों की डेट्स अनाउंस होंगी। चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी तैनात है। विक्रांत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, पिछले चुनावों की अगर बात करें तो चुनावों की जो घोषणा की थी इलेक्शन कमीशन ने और जब चुनाव हुए थे उसमें 40 से 50 दिन का करीब अंतर था, लेकिन इस बार वो टाइम गैप जो है उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि डेट्स थोड़ी लेट अनाउंस हुई है, तो ये कम से कम इस बार ये बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव थोड़ा सा इस बार, क्योंकि ये पहले से लग रहा था कि इस बार 15 तारीख के आसपास, 15 मार्च के आसपास चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। पिछली बार जल्दी हो गया था तो एक समय का अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखिए चुनाव आयोग में एक तो 2 पद खाली थे चुनाव आयुक्तों के। हालांकि संविधान ये कहता है कि एक चुनाव आयुक्त भी अगर चुनाव आयोग में है तो वो अपना चुनाव करवा सकते हैं, कोरम पूरा करने ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन अब कोरम भी पूरा हो गया है। 3 चुनाव आयुक्त वहां पर हैं, 2 की नियुक्ति कल की गई है, उनकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, लेकिन इस बीच में तमाम चीजों, तमाम जगह घूमना, तमाम राज्यों में जाकर के वहां के सुरक्षा इंतजामों का नजर रखना, वो तमाम बैठकें करना वो चुनाव आयोग निपटा चुका है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा सभी का ध्यान लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से होगा, क्योंकि लंबे समय से वहां के चुनाव को लेकर बात की जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट के पास इस समय खड़े थे जब ये बात, ये इलेक्शन कमीशन की पीसी की बात सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पहुंची थी कि राज्य में चुनाव कब होंगे, तब भी सरकार ने कहा था कि हम बिल्कुल चुनाव करवाना चाहते हैं और एक बार ये सब इंतजाम हो जाएंगे तो उसके बाद चुनाव करवाए जाएंगे। थोड़ी देर हुई लेकिन अब वो तारीख आ गई है, कल दोपहर 3 बजे ऐलान हो जाएगा और देश का राजनीतिक पारा इस बिल्कुल तो देश का राजनीतिक पारा एकदम से हाई होने जा रहा है। और अब हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर वो मौजूद है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, फाइनल टचेस दिए जा चुके हैं, एक एक राज्य का दौरा किया इलेक्शन कमीशन की टीम ने और पूरी तरह से अब तैयारी है, कल डेट अनाउंस हो रही है। नीरज,
देखिए बिल्कुल पंकज, पूरी तैयारी पूरी पुराने पैटर्न पे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। पुराना पैटर्न 6 या 7 चरणों का था, पिछली बार 7 चरण में हुए थे, उसके पहले 9 चरण में हुए थे, लेकिन वो 3 पोल डे जैसे थे जो एक एक सीटों वाले थे, दो दो तीन तीन सीटों वाले थे, उसे मुख्य तौर पर 6 चरणों वाला ही माना जाता रहा। लेकिन कल की चुनाव की घोषणा में 6 या 7 चरण में होंगे, और मुझे जो लगता है 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की संभावना अधिक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव भी कराने हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पंकज आपको बताना चाहेंगे, जो चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज अब से थोड़ी देर पहले जारी की गई है कि कल घोषणा होगी, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की घोषणा के संकेत नहीं है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और चुनाव आयोग की जो प्रेस रिलीज है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस लिखे गए हैं, यानी राज्यों की विधानसभा के चुनाव। तो राज्यों की विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की बात की जा रही है, जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है। तो कल की घोषणा में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं होगी। ये बिल्कुल तो बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज की, कल जो चुनावों की डेट्स की घोषणा होने वाली है उसमें जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर कुछ भी कहा नहीं जाएगा, जो ये बात वो कह रहे हैं। मनोज के पास मैं रुक करना चाहूंगा जो कि इस वक्त भोपाल में मौजूद है। मनोज, अब चुनावी बिगुल कल फूका जाएगा एक तरह से, तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब वो ऑन द टोज होंगे। किस तरह पिछली बार जो 2019 के चुनावों की अगर हम बात करें, किस तरह की तैयारियां उस वक्त थी और अब इस बार थोड़ा फेरबदल होगा उसमें? अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पंकज पिछली बार वोटिंग हुई थी पहले फेज की, तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में भी कम से कम 2 या 3 चरणों में ही चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। लेकिन जहां तक तैयारी की बात है तो बीजेपी की तरफ से तो सारे 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। हालांकि अभी कांग्रेस पीछे है, कांग्रेस ने भी सिर्फ 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, और अगले आज या कल में कांग्रेस की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अपने बाकी प्रत्याशी घोषित कर देगी। लेकिन बड़ा सवाल अगर यहाँ पर देखें तो तैयारियों के लिहाज से बीजेपी आगे है। बीजेपी ने अपनी तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशियों को चयन करने के बाद पन्ना प्रभारी और जो नीचे जो ये जमीनी स्तर पर जो पोलिंग बूथ पर जो तैयारी होती है उसमें लगातार बीजेपी लगी हुई है, और कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। और 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में जिनमें 28 पर अभी कब्जा बीजेपी का है। सिर्फ एकमात्र इकलौती सीट जो है वो छिंदवाड़ा की सीट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के पास है। तो अभी तो पलरा जैसे कहें कि बीजेपी की तरफ से कोशिश है 29 में से 29 सीटें जीतने की, और कांग्रेस की कोशिश है कि वो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बिल्कुल जरा सबसे बड़े सूबे की बात अगर करें हम टिकटों के हिसाब से, माफ कीजिएगा सीटों के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, 80 लोकसभा सीटें। अमित वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सीटें अभी कई पार्टी की फाइनल नहीं हुई है, खासतौर पर हम इंडिया गठबंधन की अगर बात करें, किस तरह की तैयारियां अपडेट्स अनाउंस हो रही हैं? और वैसे भी कहा जाता है कि इबारत जो है उत्तर प्रदेश लिखता है, यानी सरकार जब बनती है तो सबसे ज्यादा सीटें चूंकि उत्तर प्रदेश की हैं, तो ऐसे में बहुत ही निर्णायक साबित होता है यूपी। जी हाँ बिल्कुल पंकज, सबसे ज्यादा निर्णायक अगर कोई सूबा साबित होता है तो वो उत्तर प्रदेश है। देखिए कल घोषणा होगी, चुनावों के तारीखों का ऐलान होगा, 6 फेज या 7 फेज में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में जो चुनावी पारा है वो ऊपर चढ़ चुका है। हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है आजमगढ़, वहां पर जाकर जनसभा की, काशी का दौरा उन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार वो कर चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वो रोजाना 3 से 4 जनसभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो शिवपाल सिंह यादव जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो रोज डोर टू डोर कैंपेन जरूर अपने इलाकों में वो कर रहे हैं। तो चुनावी पारा एक तरह से उत्तर प्रदेश में चढ़ चुका है, क्योंकि यहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, और इन 80 लोकसभा सीटों में अगर 7 फेजेस में अगर चुनाव पूरे देश में होंगे तो जाहिर तौर पर 6 या 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में भी होंगे। और जब पिछले दिनों चुनाव आयोग यहां पर आए हुए थे तो चुनाव आयोग में जितने भी डीएम, एसपी और तमाम DISP रैंक के अधिकारी थे उनके साथ